नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। बीजेपी के राजस्थान में सभी को चौंकाते हुए सीएम पद के लिए भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है। सीएम पद के लिए वसुंधरा राजे ने भजन लाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा था और इस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। पहले वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदारों में शामिल माना जा रहा था, हालांकि धीरे धीरे उनका नाम सीएम पद की रेस से गायब हो गया। आज होने वाली जो विधायक दल की बैठक थी, जो विधायक दल की बैठक हुई, उसके लिए जब विधायक पहुंचने लगे तो कई लोगों के नाम रेस में चलने लगे। सीएम की रेस में दिया कुमारी, अनीता भदेल, कैलाश चौधरी समेत कई दिग्गजों के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में चलते रहे। लेकिन बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी उस चेहरे को आगे कर दिया जिसकी चर्चा तक नहीं थी और भजन लाल शर्मा के नाम पर मुहर लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है और भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले नए मुख्यमंत्री होंगे। इसके साथ ही दो उप मुख्यमंत्रियों के नाम पर भी भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल में मुहर लगी है और बड़ा फैसला किया गया है। दरअसल दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी और प्रेमचंद भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आइए आपको ग्राफिक्स जरिए जरा सीएम भजन लाल शर्मा आखिर कौन है, कहां से आते हैं, पूरी जानकारी देते हैं। तो राजस्थान के नए सीएम भजन लाल शर्मा बनाए जाएंगे, ये घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दी गई है। सांगानेर से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी भजन लाल शर्मा हैं और इसके साथ ही पहली बार विधायक बने हैं भजन लाल शर्मा, ये भी आपको जानकारी दें। पहली बार विधायक बनकर पहली बार ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी भजन लाल शर्मा पहुंच गए हैं। संघ की पृष्ठभूमि से भी आते हैं भजन लाल शर्मा, माना जा रहा है कि इसका भी उन्हें फायदा मिला है और पहली बार विधायक चुनने के बाद, बनने के बाद पहली बार ही मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं। विधायक भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं और इसके साथ भजन लाल भरतपुर के हैं। कांग्रेस के पुष्पेंद्र को 48,081 वोटों से हराया है। तो कांग्रेस के पुष्पेंद्र को मात देकर भजन लाल शर्मा भरतपुर के जो कि हैं और विधायक बने हैं, पहली बार विधायक उन्होंने विधायक की पद पर जीते हैं और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच आपको सुनवाते हैं भजन लाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए आप। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्माननीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो
निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है, मैं आप तो भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे जो कि भावी मुख्यमंत्री हैं, अब राजस्थान की कमान वो संभालेंगे और वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो राजस्थान को आगे ले जाने का काम करेंगे, राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने का वो काम करेंगे जिस उम्मीदों के साथ राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई है और उसी विश्वास पर वो पूरा खरे उतरने का काम करेंगे। सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया, केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के प्रदेश नेतृत्व तक का, जिन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, वसुंधरा राजे सिंधिया को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके साथ ही जनता से भी उन्होंने ये बात कही प्रेस के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, कि आप लोगों ने जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर लाने का काम किया है उस उम्मीद को वो पूरा करने का काम आने वाले दिनों में करेंगे। मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद राज्य की बागडोर संभालेंगे, राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो भजनलाल शर्मा को लेकर के जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने ये मुहर लगा दी है और इसके साथ ही एक बार फिर से चौंकाने वाली जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की, अक्सर देखी जाती है कि बीजेपी के विधायक जो होते हैं उनके नामों की चर्चा तो की जाती है, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक में ऐसा नाम लेकर के सामने आती है जिस पर कोई चर्चा नहीं होती, जो सस्पेंस बरकरार रहता है और उस सस्पेंस में और भी दिलचस्प मोड़ लाती है भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मुकेश वत्स जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ऋतु चौधरी जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिलहाल संदीप जी और ऋतु जी जुड़ी हुई हैं, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में अटल जी और मुकेश जी भी जुड़ेंगे। संदीप जी, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वही कर दिखाया जो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लिए चीज़ें कही जाती हैं कि नामों का अटकलें जो थी, जिन नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी, सियासी चर्चा हो रही थी, बाजार गर्म था उन नामों को लेकर के, कोई नाम सामने नहीं आए और एक नया नाम जो पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सीधे विराजमान। देखिए योगेश भाई, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लेकर के चौंकाया है, लेकिन इस फैसले के साथ एक मैसेज और देने का कार्य किया है कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर एक खट्टर साहब को लेकर के आए थे, खट्टर साहब कोई नेता नहीं थे, उनकी कोई इस तरीके की बैकग्राउंड नहीं थी और उनके पास विधायकों की या सांसदों की लॉबिंग भी नहीं थी, कहने का मतलब वो एक ग्रुप नहीं था उनके पास। और इसी तरीके से आपने देखा हिमाचल के अंदर मुख्यमंत्री बनाया था, इसी तरीके से धामी को मुख्यमंत्री बनाया उत्तराखंड के अंदर, हालांकि वो अपनी भी सीट हार गए थे। तो आज की तारीख में जो बदली हुई बीजेपी है वो नेता को नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा एक रबड़ स्टैंप को वो मुख्यमंत्री के रूप में लेकर के आ रहे हैं और इसमें चौंकना जायज हो जाता है, क्योंकि आप पॉलिटिशियन को लेकर चर्चा कर सकते हैं जिन लोगों ने पहले से कुछ करके दिखाया या पार्टी के लिए किया या बड़ा नाम कमाया, लेकिन आज की तारीख में जिन लोगों ने नाम नहीं कमाया, जो नीचे स्तर के नेता थे, यह कहिए आने वाले समय में राष्ट्रीय नेतृत्व के केवल इशारे पर काम करने वाले नेता होंगे, उनके सेल्फ के कोई डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी और न ही उनके साथ कोई ग्रुप होगा कि मेरे साथ 10 विधायक है, 50 विधायक है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का फैसला लेकर के उन नेताओं को ठिकाने लगा के, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह हो, चाहे वसुंधरा हो, जिनके पास एक लॉबिंग थी, जो नेताओं के नेता थे, आज की तारीख में केवल और केवल एक विधायक है। अगर उस विधायक को कल मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है तो दूसरा विधायक उसकी आवाज उठाने वाला नहीं होगा। इस तरीके का फैसले है, निसंदेह चौंकाने वाले फैसले है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता जो इस बात का दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सामान्य सा कार्यकर्ता किसी भी शीर्ष स्थान तक पहुंच सकता है, और ये बीजेपी अपने आप को लेकर के बड़े दावे इसलिए करती है क्योंकि परिवारवाद का जो हवाला दिया जाता है उसको तोड़ने के लिए।
बिल्कुल परिवारवाद का उदाहरण, शिवराज सिंह चौहान परिवारवाद का उदाहरण नहीं थे, रमन सिंह परिवारवाद का उदाहरण नहीं थे, और वसुंधरा से पहले कौन मुख्यमंत्री रहा था वसुंधरा के परिवार से। लेकिन नहीं, विपक्षों को लेकर के संदीप जी, विपक्षों को लेकर के मैंने सवाल किया, विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद का हमला, सबसे इंपोर्टेंट परिवारवाद को लेकर के हमला किया जाता है। एक तर्क ये दिया जाता है कि कोई भी सामान्य सा कार्यकर्ता को उठा करके बीजेपी किसी भी फर्ज से अर्थ तक पहुंचा सकती है, ये बड़ी खूबी बताई जाती है बीजेपी। परिवारवाद की अगर बात करें तो जो पर्यवेक्षक बना करके वहां पे राजनाथ सिंह को भेजा गया था, उनसे बड़ा भी कोई परिवारवाद का उदाहरण नहीं है। आप पे अगर कल्याण सिंह की बात करते हैं, उनसे बड़ा भी परिवारवाद की तो बात करनी, हिंदुस्तान की राजनीति में बेमानी है, वो आप किसी परिवार के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं उस तरीके से। सारी पार्टियां परिवारवाद से भरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दो ऐसे मुख्यमंत्री जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे उनको निपटा दिएगा, एक ऐसी मुख्यमंत्री जो 2 बार के मुख्यमंत्री थे उनको निपटा दिएगा, लेकिन 3 बार के मुख्यमंत्री मोदी जी खुद 2 बार के प्रधानमंत्री है वो सीनियर नहीं है, उनको नहीं निपटाया जा सकता। तो राजनीति में ये है कि आज मुझे मौका मिला है तो मैं अपने बराबर के कद वाले लोगों को निपटा दूं, और ये राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल, चलिए संदीप जी आपके पास आएंगे। और रितु चौधरी जी, आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को देखती हैं, क्या कहेंगी आज के फैसले के बाद? रितु जी आप अनम्यूट करिए, शायद म्यूट कर रखी हैं आपने, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए रितु जी आएंगे आपके पास, फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।